मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी विज्ञान पीछे नजर आ रहा है। ऐसा ही एक स्थान है दमोह जिले के पटेरा में, जहां कुछ ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता। जी हां, दमोह और कटनी जिले की सीमा पर बसे अति प्राचीन स्थल जिलहरी धाम है, जहां पर दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना लेकर स्थल पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की और सिद्ध बाबा की कृपा से मन्नतें भी पूरी होती हैं। यहां पर दो प्राचीन गुफाएं भी हैं। एक गुफा के मुख्य द्वार पर लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, तो वहीं यहां की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पठारी स्थल होने के बावजूद भी यहां पर एक ऐसा कुंड है जहां 12 महीने जल की धारा बहती रहती है, जिसमें गर्मी के मौसम में भी जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं प्राचीन स्थल जलहरी धाम। है ये जलहरी धाम है, इस सिद्ध धाम है। तो हम तो कभी नहीं आए, हमें सिद्ध बाबा कुसुम मड़ा में पहुँचे हमारे पास, तो सपने में हमें भी बुला ले आए यहाँ। पहली बार जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ नहीं था, मैं छतरी ने मंच पहाड़ था, न गुफा थी, कुछ नहीं था। तो जब हम आए हैं 20 साल पहले की बात है, तो सिद्ध बाबा एक आकर का पेड़ लगा था, पहले कुंडी यही थी, रूप रखा था वही है, आज भी है, इसमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर कुछ जो बना है, ये छतरी बन गया, मंच बन गया, गुफा बन गई। यह जलहरी धाम प्राचीन धाम है, यह सिद्ध क्षेत्र है और बहुत कहना चाहिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये विशेषकर कई वर्षों से यहाँ पे हर जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ पे भंडारा वगैरह का प्रोग्राम होता है हर संक्रांति में। जलहरी धाम सिद्ध बाबा का स्थान है, यहाँ जो मनोकामना लेके लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और सब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना लेके और हर लोग यहाँ पर बने ही रहते हैं। जलहरी धाम जहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, यहाँ पर अति प्राचीन मूर्ति के रूप में सिद्ध बाबा विराजमान हुए हैं और जो कि रेलवे स्टेशन चगोनी से यह मुख है 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का एक अनोखा संगम है। हम दिखाना चाहेंगे कि गुफा में संत पुरुष का रहवास बना हुआ है, जो पत्थर से बनी हुई है, जिसके अंदर वो रहते हैं और अपनी धूमी रमाते हैं। आए हुए भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। पटेरा से खास रिपोर्ट, अमर सेन, अनादिति।